नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम रजब पढ़ रहे थे और रजब में हमने एक पद पढ़ा था जो कि संतो मगन दया मन मेरा, संतो मगन दया मन मेरा, एहनिस सदा एक रस लागा दिया द्रीपा डेरा, संतो मगन दया मन मेरा। एग्जाम में भी ये व्याख्या पूछी जाती है। तो क्या बताया था कल कि मेरा मन मगन दया, मेरा मन मगन कब होता है, जब वो परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ जाता है, संसार से विरक्ति का भाव आ जाता है तो मन मगन हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक पद आता है सहजो भाई का, प्रेम दीवाने जो भे पेयो मन को चकना चोर, छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। वो छके रहते हैं, तृप्त रहते हैं जो प्रेम में लीन हो जाते हैं। उनका प्रेम का रस ऐसा है कि उस रस की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, न उस रस को कोई दूसरा व्याख्यान कर सकता, ऐसा उसमें रस होता है, ऐसा उसकी अनुभूति होती है। कि ऐसा रस जब प्राप्त कर लेता है जो पात्र, वो उसी में लीन हो जाता है, उसको संसार से विरक्ति का भाव आ जाता है और उसी रस में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। वो अमृत ऐसा है, उसका व्याख्यान किया था इसमें रजब ने कि मेरा मन मगन गया, मेरा मन आज मगन हो गया। सांसारिक वस्तुएं के उपभोग से मन कभी तृप्त नहीं होता। कहते ना भोग और प्यास सदैव ही उसको, ये अग्नि रूपी वो है जो सदैव ही उसको जलाती रहती है, तृप्त नहीं होते। लेकिन वो जब ईश्वर का नाम रूपी जब रतन इसके अंदर आ जाता है तो सब चीज मिल जाती है। जिसे मीरा ने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाए सुख दुख बोलियो मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो रतन धन पायो, खर्चो ला खत्म नहीं होवे दिन दिन बट सवायो। ये प्रेम रूपी जो धन है, ये मन जब मगन होता है, कहते हैं कि इसको कितना ही खर्च कर दो, खर्चो ला खत्म नहीं होवे दिन दिन बटते सवायो। ये सदैव आगे से आगे, आगे से आगे और ही बढ़ता जाता है, खर्च नहीं होता। जितना खर्च होगे उतना ही ये जो राम रूपी धन है, तभी मन क्या होगा आपका, शांत होगा, तब उसको तृप्ति आएगी। जब इसका मन किसकी तरफ, संसार से विरक्ति का भाव आ जाएगा और अपने ईश्वर से क्या हो जाएगा, शक्ति का भाव आ जाएगा, उसके प्रति लगाव हो जाएगा। तो बताया था कि एहनिस सदैव एक रस लागा सुख, कहते हैं दिन और रात उसी रस में लीन रहते हैं वो। रात एहनिस का मतलब बताया था, रात और दिन उसी रस में वो क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। मिलेगा कहाँ पे, फिर रजन ने बताया था कि वो मिलेगा, कहते हैं दिया द्रीपा डेरा, वो साधुओं का जहाँ पर उनका ठिकाना होगा वहां पर जाके हम बैठेंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, नम्रता से दीनता से उनके पास जाएंगे, तब वो मिल पाएगा अनंता नहीं। फिर एक पंक्ति में खोल के बता दिया था रजन ने कि ये प्रेम मांगने से नहीं मिलता। क्या कहते, सो रस मांगिया मिले नहीं, सिर साटे दे जाए। कहते मांगने से ऐसा रस नहीं है कि सभी को प्राप्त हो जाए, बड़ा ही दुर्लभ है ये। कहते हैं कि अपने आप का क्या मांगते हैं, शीश का बलिदान मांगते हैं, अपने आप का समर्पण मांगते हैं। देखो जब अपने कोई चीज है उसके प्रति समर्पण का भाव हुआ तभी हमें मिल पाएगी, ऐसा नहीं मिल पाएगी। जब दीपक जल रहा होता है पतंग अपने आप को नौशौर कर देता है उस पे आके, कहते हैं दीपक के जलने में आली पतंगे की भाग्य लिपि काली, प्रेम दोनों ओर पलता है। ऐसा प्रेम हो, ऐसा लगाव हो तब जाके मिलता है। तो ये बात इसमें बताया, सो रस मांगिया मिले नहीं, ऐसे रस मांगने से मिलता नहीं, सिर साटे दे जाए। कहते शीश का बलिदान चाहता है। जिस प्रकार से हम कोई फसल को बोते हैं तो पहले जो फसल का जो बीज है वो कहाँ डालते हैं, भूमि में डालते हैं, फिर वो अपना अस्तित्व तो मिटाता है, फिर उसमें नई नई घोंपले निकलती है, नए नए फल आते हैं। कितना अपना अस्तित्व तो मिटाया तभी मिला। तो इसी प्रकार इसमें रजब ने कहा था कि सो रस मांगिया मिले नहीं, सिर साटे सिर जाए,
फिर एक लास्ट में पंक्ति में फिर खोल के बता दिया था कि जन रज्जब तन मन दिया होए धने का चेहरा, जब हमने तन मन और धन दूसरे को समर्पित कर देंगे, सारा उसी को दे देंगे, तो कहते हैं उसी का धनी का मतलब उसी ईश्वर का, उसी मालिक का हम चेहरा बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, तब ये मिलेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पद है इनका, रज्जब का। बड़ा ही हमें बताया है नम्रता से, दीनता से नीचा हो के, कहते ना ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा आओ सो भर परी ऊपर प्यासा जाए, पानी का भी ऊपर नहीं टिकता नीचे ही आता है। इसी प्रकार से इंसान को अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें नम्रता धारण करनी पड़ेगी, फिर संतों के पास जाएंगे। फिर कहते हैं वो संत भी क्या हो, संत भी कहते हैं जिन्होंने ईश्वर के दीदार किए हो। तब ये बात रज्जब ने कहा था कि होए धनी का चेहरा, उस मालिक का, उस ईश्वर का, तभी हम सेवक बन सकते हैं, तब हम सिर साटे सिर जाए, कहते हैं हमारा शीश का बलिदान दे। यहाँ शीश कटाना नहीं है, शीश कटाने की बात नहीं कह रहे हैं रज्जब जी। रज्जब जी कहते हैं शरीर से जो भी विषय विकार है, शरीर में जितने भी अपने अवगुण है उसको निकालने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि संसार में आके हम मोह माया में इतने लिप्त हो गए, इतने इसमें कहते हैं कि मिल चुके हैं, रत हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, कि हमें कोई याद ही नहीं है कोई बात। हमें जो देह था रज्जब जी के अनुसार, हमारा देह ईश्वर प्राप्ति था जन्म, ये जन्म पाके वो उसको भूल के हम विषय विकारों के आशिक हो गए। तो इसी प्रकार रज्जब जी सचेत करते हुए हमें बताया है यहाँ पे, कहते हैं हमें विषय विकार अंदर से निकाल दो, इतना सारा ख्याल निकल जाए हमारे अंदर से, सारे के सारे ख्याल निकल जाए, शरीर क्या हो जाए पूरा का पूरा खाली हो जाए। वो कहते हैं ना मरे सो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सो बार, यानी कि पूरा शरीर खाली कर दो उसी की ख्याल में। किसकी ख्याल में, ईश्वर की ख्याल में। फिर एक मृत अवस्था में चले जाओ, शून्य अवस्था में चले जाओ, फिर क्या होता है, ईश्वर के दर्शन हो पाते हैं रज्जब जी के अनुसार। तो कहते हैं कि मरे सो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सो बार। कबीर जी कहते हैं दिन में 100 बार मुझे दर्शन होते हैं, किसके, ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्योंकि मैं इस शरीर को क्या कर दिया, खाली कर दिया। इसी प्रकार से रज्जब जी ने बताया है कि हमने जब धनी का चेहरा तब बन पाएंगे, तब हमारा शरीर पूरा निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण साफ हो जाएगा। अब जो रज्जब जी की हम दूसरा पद आज फिर अध्ययन करने जा रहे हैं, अध्ययन हम कर लेंगे यहाँ पे, हम मैं आपको लिख लिख के समझाता जाऊंगा, लेकिन जब तक आप मेरे साथ में नहीं चलोगे तब तक कोई सार्थक कार्य नहीं हो पाएगा। आप साथ साथ में आप इसको रजिस्टर में आप अंकित करते जाओ, सह प्रसंग व्याख्या भी आप हम समझते जाएंगे, और हमारा देह है, हमारी जो मंजिल है उस पर हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो रज्जब जी की व्याख्या आते ही पहली बात तो ये कि आपको रज्जब जी का नाम मिल जाएगा पद में आसान। फिर एक पद आपको मौखिक याद होना चाहिए कि जैसे ही इनके गुरु कौन थे, चरणदास जी नहीं सॉरी ये दादूदयाल जी थे, दादूदयाल जी की ये शरण में गए, या पहले ही दादूदयाल जी ने इनको जो वाक्य कहा था वो आपको याद होना चाहिए, कौन सा, कि रज्जब तूने गजब किया सिर पर बांधा मोर, रज्जब तूने गजब किया सिर पर बांधा मोर, आया था हरे भजन को, आया था हरे भजन को, और नरक में किया ठोर। कहते हैं किस लिए आया था यहाँ पे, हरि का ईश्वर का सिमरण करने के लिए आया था, उसका ध्यान देने के लिए आया था, लेकिन तूने तो नरक की और क्या कर लिया, ठिकाना कर लिया। देखो एक जगह तुलसीदास जी ने भी एक शब्द लिखा है, ये जो जब शादी के बारे में लिखा है कि फूलियो फूलियो फिरते आज मारो ब्याह, तुलसी जान बूझ कर देते काठ में पांव। कहते हैं कि शादी के अवसर पर व्यक्ति को इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी खुशी होती है, फूला फूला फिरता है, कहते हैं आज मेरा क्या है शादी, आज मारो ब्याह, आज मेरी क्या है शादी है। तुलसीदास जी सचेत करते हुए कहते हैं कि तुलसी जानबूझ कर देता है काठ में पांव, कहते जानबूझ कर किस की तरफ जा रहा है, उस लकड़ियों की तरफ जा रहा है जहां पे अग्नि जलेगी, उसमें आप जलने के लिए जा रहे हो।
यहाँ कवि यहाँ अपने यहाँ तुलसीदास जी का यहाँ राधा जी का ये संकेत नहीं है कि संसार में रहना नहीं है, संसार में रहना है। इनके साथ रहते हुए हमें हमारा जो देह है ईश्वर प्राप्ति का उसको भी करना है। किस प्रकार से संसार में रहना है राजब जी के अनुसार, राजब जी कहते हैं जिस प्रकार से जल में क्या रहती है, मुर्गाई रहती है, अपने पंख कभी नहीं बिगने देती और सब पंखों से उड़ जाती है। जल में कहते हैं जो जल में मुर्गाई रहे इस प्रकार से उनको रहती है, लेकिन संसार में से विरक्ति का भाव रहता है उनको। इसी प्रकार से कहते हैं जिस प्रकार से कमल का फूल होता है जल में भी रहता है, लेकिन कभी अपने आप को जल से स्पर्श नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो पता है कि ये जो संसार का जो कीचड़ है ये मेरे को एक बार छू गया तो मैं इसमें रत होकर इसमें लीन होकर रह जाऊंगा। तो ये बात इसमें बताया है कि संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना है। वो कहते हैं ना एक पंक्ति आती बहुत ही बहुमूल्य, कहते हैं घर में रहो घर से बाहर रहो जोग जुगत की रीत, घर में भी रहना है घर से बाहर भी रहना है। इस प्रकार से रहना है जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पनियारी पानी लेने के लिए जाती है। पहले ऐसा हुआ करता था कि पनियारियां इकट्ठी होकर सखी सहेलियों के साथ दूर से पानी लाती थी जहां पर वो एक बावड़ी हुआ करती थी, तो सखियों से बातें करती है और जगह भी क्या होती है उबड़ खबड़ होती है, लेकिन ध्यान कहाँ होता है उसका, मटके में होता है, उस घड़े में होता है, कभी गिरने नहीं देती। इसी प्रकार इसमें कहा था कि घर में रहो घर से बाहर रहो जोग जुगत की रीत, जो भरोसे राम की लाए रहो जग प्रीत। कहते हैं ईश्वर से नाता इस प्रकार से रखो, यह रजब जी का संकेत है यहाँ पे हमने बताया है। आज हम इनका जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बताया है कि मन की प्यास प्रचंड ना जाई, मन के बारे में बताया कि मन हमारा कैसा है, इनका इतना ये प्रचंड है तेज है कि इसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। कितना इसको अच्छा खिला लो पिला लो लेकिन ये मन है ऐसा कि इसकी तृप्ति कभी होती नहीं है। ये रजत जी ने हमें आगामी जो पद है उसमें समझाने का प्रयास किया है और साथ साथ में मैं यहाँ पे अंकित करूंगा और आप ही अपने दृष्ट में मेरे साथ बने रहें। तो चले रजत जी का पद देखो आगे क्या बताए कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए, मन की प्यास प्रचंड ना जाए, माया बहुत बहुत विध विल से तृप्ति नहीं निरताई, जो जल धारा असंख्य अवनी थल परत परत न ठहराई, तैसे यह मन भरम्या भूख सो देखी परखी शुद्धि पाई, असन वसन बहु होमी अग्नि मुख नहीं संतोष मिलाई, ऐसी विधि मन या मन की शुद्धा बुझती नहीं बुझाई, भूख प्यास संग दे शुद्धा सो सपने नहीं आधाई। पहले इतनी पंक्तियों का हम सह प्रसंग व्याख्या करते हैं तो रजत जी यहाँ पे क्या बताया है कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए, मन है इसकी प्यास है इतनी तेज है प्रचंड है कि ये जाती नहीं है, कितना इसको आप खिलाओ पिलाओ मन नहीं मानता। तो कहते हैं मन की जो प्यास है ये प्रचंड है तेज है, किस प्रकार से बताया मन है किसके ये किसकी तरफ हो जाता है, कहते हैं माया बहुत बहुत विधि विल से मन माया की तरफ जाता है, इसमें इतना ये उलझ जाता है कि तृप्ति नहीं निरताई, निरताई का मतलब निश्चित रूप से ही ये बाहर निकलना नहीं चाहता, माया में इतना लिप्त हो जाता है बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। तो यह बताया है कि ऐसी प्यास है मन की कि माया में ये लिप्त है और ऐसा है कि इसको निश्चित तृप्ति नहीं होती संतोष नहीं होता। आगे से आगे ये इसमें माया इकट्ठी करने में लगा है, ये कैसा है बताया है जिस प्रकार से जो जल धारा असंख्य अवनि परत नहीं ठहराई, जिस प्रकार से बारिश का पानी आता है और वो ठहर नहीं पाता एक जगह,
पानी बारिश का टपकेगा नीचे आएगा और वो क्या बताए जो जल धारा असंख्य अग्नि जल धारा बहेगी बादलों से असंख्य वो धरातल पर आएगी। अग्नि का मतलब धरातल पर आएगी स्थल पे आएगी पड़ती नहीं ठहराई वो एक जगह ठहरती नहीं है उसका बिखराव हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ बताया है कि इस ये माया है वो भी वैसी है कि जिस प्रकार बादलों की बारिश से पानी का बहाव आगे से आगे बढ़ जाता ठहर नहीं पाता ऐसा ही हमारा मन है मन तृप्त नहीं होता शांत नहीं होता। आगे क्या बताया है यह मन बर्म्या भूक्ष्यों देखी बर्मी शुद्धि पाई ये मन इतना भूखा है इसको कभी संतोष मिला ही नहीं। ये मन बर्म्या भूक्ष्यों भूख इसकी शांत कभी होती नहीं है आगे से आगे इसकी तृष्णा बढ़ती जाती है और चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए वो कहते बूढ़ा हो जाने के बाद में तृष्णा है ये विकराल रूप धारण कर लेती है इतनी बढ़ जाती है और फिर नतीजा क्या होता है इसका अंत मता सोई गता जहाँ हमारी इच्छा होगी वहीं हमारा प्रवेश होगा। रजत जी के अनुसार चलिए क्या कहते हैं तैसे यह मन बर्म्या भूक्ष्यों देखी परखी सुधि पाई असन वैसन होमी अग्नि मुख नहीं संतोष मिलाई। कहते हैं ये सदैव भोजन कपड़ा वस्त्र अपने उसमें लगा रहता है पूरा जीवन भर अपने वस्त्र बनाने में और भोजन की उपलब्धता प्राप्त करने में ही लगा रहता है। एक जगह कबीर ने कहा था कि पेट क्यों न बेओ तू पीठ कहते हैं पेट तू पीठ बन जाता तो तेरे लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। देखो खाने पीने के लिए अपना उतना ही होना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो रजत के अनुसार। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि हमें भोजन कपड़े में ऐसा उलझ गया ये मन कहते हैं इसकी अग्नि है वो बुझती नहीं है। जिस प्रकार से कोई हवन करते हैं उसमें घी डालते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो अग्नि की प्रचंडता है वो तेज होती है। इसी प्रकार इसमें बताया है कि इसमें भोजन में और कपड़े में इतना उलझ गया कि वो ऐसी अग्नि हो गई कि संतोष तो उनको मिला ही नहीं। आगे देखो ऐसी विधि या मन की ऐसी ये है मन की दशा ऐसी इसको सुधा है भूख है जो बुझती नहीं बुझाए तो बुझाने से भी क्या नहीं हो रहा बुझती नहीं है। आगे देखो क्या बताएं सदैव मन कैसा रहता है कवि यहाँ रजत जी बताते हैं कि भूख प्यास संग ले सुता भूख और प्यास से ही ये ग्रसित रहता है। जब ये सो जाता है ले सुता जब ये सो जाता है तो इनके जो सपने हैं वो किसके आएंगे भूख और प्यास के ही आएंगे इनको और कुछ तृप्ति रहती नहीं है भूख और प्यास की इनको क्या आते हैं सपने आते हैं। मैं सदैव आपको बताता रहता हूँ कि जो पात्र पात्र को याद करता है उसी पात्र के सपने आते हैं उसी वो स्वप्न में आता है क्योंकि ये मन ऐसा ही है उसी पात्र की ओर दौड़ेगा जिसके पात्र के प्रति हमारा स्नेह होगा लगाव होगा। इसी प्रकार यहाँ बताया देखो रजत जी क्या कहते हैं कि भूख प्यास संग दे सुता भूख और प्यास को जब ये पूरा दिन भर इसमें लीन रहता है जब सो जाता है तो इसी में जब लीन होता है तो उनको ये सपने में क्या सो सपने में नहीं अगाई सपने में ये तृप्त नहीं होता। देख लो कि जब इसको स्वप्न आता है किसका माया का आता है भूख का आता है और इस वस्त्र का आता है तो इसको तृप्ति नहीं होती इसमें वो क्या रहता है लीन रहता है। तो रजत जी कहते हैं मन की जो प्यास है ये ऐसी प्रचंड प्यास है कि कभी बुझाने से नहीं बुझती। देखो कि मन की जो प्यास है वो ऐसी है प्रचंड है तेज है कि मन की प्यास प्रचंड ना जाए ये जा ही नहीं सकती ये जब जाएगी जब हमारे अंदर क्या आ जाएगा संतोष आ जाएगा। वो कहते हैं ना साईं इतना दीजिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भूखा न जाए मुझे इतना दे दो
कि मेरा जो परिवार है वो भी उसका भी पालन पोषण हो जाए और आने वाले मेहमान हैं साधु वर्ती के जो लोग हैं उनका भी मान सम्मान हो जाए, इतना हो तब तो ये शांत हो सकते हैं। लेकिन रजत जी कहते हैं ये इतना इसकी प्रचंडता इनकी हो गया कि प्यास जाता ही नहीं है। सदैव किसमें लीन रहते हैं, माया बहुत बहुत विधि विध से ये सदैव किसमें रहते हैं, माया में लीन रहते हैं, इसी में रत रहते हैं। बहुत विधि विध से तृप्ति नहीं निरताई, ये तृप्त होता ही नहीं है मन, ऐसा है ये मन कि इसको कितना ही आप इसको प्रसन्न करने का यत्न करो लेकिन ये कभी मानते ही नहीं। ये तो तभी मानेगा जब इनको कुछ अंदर ऐसा संतोष आ जाएगा, ऐसा इनको जब ईश्वर के नाम का जब इसको रस आ जाएगा, तो जैसे पहले वाले पद में कहा था रजन ने मगन बया मन मेरा, मगन तभी हो पाएगा जब इसको एक रस लगा, रात दिन एक रस में लगे रहेंगे तब ये मन क्या होगा हमारा शांत होगा। नहीं तो ये मन है ये सभी की मीठी पीलीत करता है, सबको ये क्या करता है प्रताड़ना देता है। तो यही बात इसमें है। तो आगे बताया है जिस प्रकार मन तो ऐसा है कि आसमान से बादल जब बादल बरसते हैं उसमें जल धारा निकलती है, जो असंख्य होती है वो कांप जाती है, द्रव जाती है, वो एक जगह ठहर नहीं पाती। इसी प्रकार ये मन है हमारा चंचल जो एक जगह ठहर नहीं पाता है, आगे से आगे क्या होता है बढ़ता ही जाता है, इसकी तृप्ति हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि हमारे मन की इतनी प्रचंडता है, जिस प्रकार से इच्छा इतनी है, जिस प्रकार हिमालय का क्या हो पहाड़ हो, और मृत्यु के क्या कहते हैं पैरों के नीचे खड़िया पता नहीं कब आमंत्रण हमारा हो जाए। आगे देखो जैसे ये मन की बलमिया, ये मन बल गया है किसमें, भूख में, देखी प्रति शुद्ध नहीं पाई, ये इसको शुद्ध होती नहीं है, रात इच्छा क्या इसकी कपड़े की भोजन की सदैव उसमें रहता है। ये ऐसा अब क्या होम रूपी अग्नि है जो आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो ये बात इसमें बताई है कि इस विधि से या मन की शुद्धा बुझती नहीं बुझाई, ये मन की ऐसी है इसकी प्रचंडता बुझती नहीं है। तो कहते हैं भूख और प्यास लेके ही सो जाता है व्यक्ति, और वो ही रात को उसको सताते ही है स्वप्न के माध्यम से, ये बात बताई है इसमें। इसमें तीन चार पंक्तियां रह गई है, वो आगामी हम क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना जो ध्येय है उसको याद रखें, उड़ते बैठते चलते फिरते। ये जो रीतिकालीन काव्य है देव है, चाहे अपने जितने पढ़ाए हैं उनको मनन करते जाएं, उड़ते बैठते चलते फिरते। तो धन्यवाद।